और अब हम उसके लिए सैंडविच बनाएंगे। तो हम सैंडविच बनाने के लिए ना एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल गर्म करके रख देंगे। थोड़ा सा ही रखना है, रख देते तो फिर अब हम लेंगे। तो ये है मेरा ग्रोसरी सेक्शन। इसमें मैंने सब्जियां है, पोटैटोस है, वेजिटेबल्स कुछ, इधर कॉर्न है। इधर पहले ले लेते हैं ब्रेड, ये है हमारे ब्रेड। तो अब हम इस ब्रेड को थोड़ा बटर से ना ये कर लेते हैं, मतलब बटर होता है ना, तो ये अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसको गर्म करके रख देंगे, स्लो मोशन में रखना है। तो अभी हम कैबेज काट लेते हैं। तो अब हम कैबेज काट लेंगे। तो चलो एक स्लाइस में ले लेती हूँ। और अब सारे वेजिटेबल्स हम डाल देंगे सैंडविच में। और ये हो गया, चलो अब हम इस प्लेट में डाल देंगे सब। हाँ, तो ये हमारे ब्रेड है वो गरम हो गया है। तो अभी हमें सैंडविच के लिए रखेंगे सॉस। तो ये है हमारा केचप, इसको ऐसे रखा है, बहुत अच्छा है। ये लगा देती हूँ, हम इसको इसे निकल देंगे। और अब हम इसको कैबेज डाल देंगे और फिर हम इसको ऊपर ब्रेड डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया सैंडविच। अब हम डालेंगे वो दूध। हो गया। ठीक है, अब ना मैं इस दूध, तो अब मैं ये ना इधर डाल, सैंडविच तो हो गया। अब ना मैं, हाँ ठीक है, तो हमारा दूध तो हो गया है। डॉली को पिंक पसंद है, इसलिए मैं पिंक कप लूंगी। तो अब मैं दूध डाल देती हूँ। तो अभी ये मैं वॉश कर लेती हूँ। दोपहर हो गई है, तो अभी मैं लंच में क्या बनाऊँ? सब्जियों में तो है कैबेज, पम्पकिन, कॉर्न और पोटैटो। तो ठीक है, मैं अभी पोटैटो की सब्जी बना लेती हूँ, बाद में ये बनाऊंगी। तो दोपहर में सबको हमें रोटी रखते हैं, तो मैं रोटी बना लेती हूँ। चलो तो ये देखो, मैंने आटा भून लिया है, देख रहे। तो अब हम फ्रेंड्स, ये मैंने खुद भूना है, मैंने पहले से ही भून के रख दिया था ना। मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। चलो इसमें हमें चाहिए होगा बेलन, और आपको पता ही है, मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, हमें तो पता है कि ये बोलते हैं। तो चलो रोटियां बना लेते, बातों बातों में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया।
तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। और अब हम अपना हम रोटी बनाने देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये देखिए, ये रोटी हमारी हो गई है। अब हम इसको पैन में डाल देते हैं। इसको कर देते हैं और इसको थोड़ा ऐसे ही बंद कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हो गया है। इसको अभी हम ना दूसरी भी जल्दी जल्दी बना देते हैं। ये तो हो गई दूसरी वाली। तो चलो अभी सब्जी बना लेते हैं। अब हम ना सब्जी बनाएंगे, वॉश कर लेते हैं, मतलब क्लीन कर लेंगे। आलू को मैं वॉश कर लेती हूँ। हो गए तो आलू हमारे क्लीन हो गए हैं। अभी हम इसको बॉईल कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा हम वाटर ले लेते हैं। ये हमारा वाटर डाल देते हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे। नमक डालेंगे, नमक थोड़ा सा डालेंगे, ज्यादा डालेंगे तो हमारे आलू कैसे हो जाएंगे वो आपको पता है। तो बॉइल हो जाएगा तो हम देखते हैं। तो ये हो गए हैं। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, स्विच को ऑफ होता है। अब ना मैं ना इसको ना गर्म है, इसको ना ठंडा होने के लिए डाल ढक्कन निकाल लेती हूँ। आलू साफ करेंगे, हम डालेंगे आलू। चलो मैं साफ कर लेती हूँ। गर्म है फ्रेंड्स, पहले ना मैं इन आलू को वॉश कर लेती हूँ। हो गए होंगे अभी। मैंने ना इसके इनके छिलके निकाल दिए हैं। अपना मैं चलो हम सब्जी बना लेते हैं। चलो गैस चालू करते हैं और ऑयल डाल देते हैं। हो गया। तो ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो हो गया।
भाई और ये जीरा। ठीक है तो ये हम इसको हल्दी डालेंगे थोड़ी सी और मिर्ची। ये है मिर्ची थोड़ी से डाल देते। अपना मैं इसको मिक्स करूँ। अभी हम पोटैटो डालेंगे। अभी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है तो ये हम अभी इसकी कैप लगा देते हैं। ये हो गया तो हम इसकी कैप निकाल देंगे। तो ये हम डाल दे रख देते हैं। तो ये हो गई है। डॉली बेटा, डॉली बेटा लंच के लिए आ जाओ। लंच हो गया है। मम्मी लंच में क्या बनाए? लंच में ना तुम्हारी फेवरेट आलू की सब्जी बनाई है मैंने। वाह मैं तो जल्दी से आ जाती हूँ। पहले हाथ धो, हाथ धो और फिर आओ। ठीक है फ्रेंड्स, आप ना अपने हाथ ना अच्छे से धोइए, फिर हम हमारे हाथ पे कीटाणु रहेंगे, उससे ज्यादा तो कोरोना रहेगा, इसलिए जल्द हाथ क्लीन रखने चाहिए। हाँ मुझे ज्यादा देना हाथ। ये रोटी डालेंगे हम। ठीक है तो हो गया। अब मैं ना डॉली को दे देती हूँ। तो मैं और डॉली खाना खा लेते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ना मैं अभी मैं और मेरी बेटी